दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो वीडियो है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि लोग जानना चाह रहे थे मुझसे कि अगर हम YouTube पे काम कर रहे हैं तो हम YouTube पर एक ऑडियो चैनल कैसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा YouTube चैनल है और इस चैनल पर हम एक लाइव करके बताएंगे आपको, और वो लाइव कैसे होगा, हम कैसे एक चैनल पर ऑडियो चैनल क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पर एक ऑडियो चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको एक थीम या टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, और इस पर ब्यूटी से लेकर स्टोरी, हिस्ट्री से लेकर हर चीज़ इसके अंतर्गत आती है। तो अभी हमें जो मेन चीज़ की ज़रूरत है वो है एक ऐप जिसका नाम है फिल्मोरा, क्योंकि फिल्मोरा से हम करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने उन लोगों के लिए एक बात बता दी है जो काम करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करके शेयर करना चाहते हैं। जो मेन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है OBS स्टूडियो। तो ये OBS स्टूडियो आप देख रहे हैं 64 बिट का है, इसे हम ओके करते हैं। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओपन हो चुका है। और ये कैसे काम करेगा ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। इसमें ऑलरेडी पहले से एक सिस्टम सेटअप किया हुआ था मैंने भजन का, इसे हम हटा देंगे और इस पर हम अपना नया सेटअप करेंगे। तो हम इसकी एक एक चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और इस पर नया कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी इसे प्लेन करके। ये ऑलरेडी हम किसी चैनल पर लाइव भजन चला रहे थे, तो संगीत शिक्षा इन हिंदी हमारा ही चैनल है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए ऐसे हटा लेते हैं और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप का को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो गूगल पर जाइए, OBS लिखिएगा, OBS स्टूडियो, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से, विंडोज़ है या जो भी है उस हिसाब से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रही हैं मैं चैनल पर यहाँ एक बार फिर लौट कर आई हूँ, इसको फिल्मोरा से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया है ताकि आप अगर फ्यूचर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ से मैं ऑन करके दिखा देती हूँ। ये सॉफ्टवेयर भी कहाँ मिलेगा, फ्री में कैसे मिलेगा और इसको कैसे आप यूज़ करेंगे मैं ये भी बताऊँगी। इस पर वीडियो एडिटर्स एडिट होते हैं, तो अभी मैं एडिट ही कर रही हूँ। तो चलिए, वैसे इसका पार्ट यहाँ नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ लाइव करना है, तो हमें एक YouTube ID चाहिए, YouTube चैनल चाहिए और एक OBS चाहिए। तो देखिए OBS को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ हो चुका है, देख रहे हैं आप सामने, है ना। तो अब हम इसे सेट करेंगे और इसे अपने YouTube चैनल के साथ जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे आप इसे ऑन एयर कर सकते हैं। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं ऑन एयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उस कहानी का नाम था उलझन मोहब्बत की। वो कहानी इसी रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने करी थी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तभी मैंने वो कहानी ऑन एयर की थी, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि ऑन एयर ऑडियो चैनल कैसे बनता है। तो दोस्तों आज के डेट में पॉडकास्ट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा आ गया है। पॉडकास्ट का मतलब होता है कि हम अपने ऑडियो के द्वारा करें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे पहले हम एक इमेज ले लेंगे और इसमें जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो आप देखते जाएं कि कहाँ मैंने वो इमेज सेव करके रखी है। तो एक थंबनेल मैंने बना रखा है, उस थंबनेल को मैं यहाँ पर ले लूँगी। थंबनेल कैसे बनेगा मैं वो भी आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो मैंने एक थंबनेल बना रखा है उलझन मोहब्बत की पार्ट 2, इसको मैंने यहाँ ले लिया है और मैं इसे ओके करती हूँ और इसे सेटअप से बराबर कर लेती हूँ। तो ये एक बराबर हो गया है ना, तो ये यहाँ पर हो गई है। हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले डुले ना। तो देखिए लॉक हो चुकी है इमेज, ओके। अब हम जाते हैं, हमें एक मीडिया सोर्स लेना है। यहाँ पे हम यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ले लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पर हम एक हल्का सा सॉफ्ट म्यूज़िक ले लेते हैं, देखिए कौन सा लें, हैं तो काफ़ी सारे, ये ले लेते हैं, हल्का भी है और लाइट भी है ये, तो इसे हम ओके कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। और इसकी वॉल्यूम हम थोड़ा कम कर लेंगे मीडिया सोर्स की, ये हमने यहाँ कम कर लिया है फ़िलहाल। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे,
ये टेक्स्ट आपने देखा, ये लिख लिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लीज सब्सक्राइब। हम यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बड़ा हमने। ओके ये हो गया, और अब हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं, ये रेड हो गया। तो ये देखिए आप, ये हमारा सब्सक्राइब का ये यहाँ आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब भी आएगा। और अगर हम इसे टेक्स्ट को रनिंग करना चाहें तो हम फिल्टर्स में जाते हैं और स्क्रॉल में जाते हैं, ओके करते हैं, अच्छा ये अभी फ़ोटो स्क्रॉल करने लगी, अगर हम ये करेंगे तो तेज़ तेज़ करेगी। ये तो फ़ोटो हो गई है ना, ये फ़ोटो स्क्रॉल कर रही है। आप इमेज को हमने कर दिया सॉरी फिल्टर, इसे हम नहीं करेंगे, इसे हम बराबर ही रख देंगे। इसे हम नहीं करेंगे, हमें करना है फ़िल्टर किसे, अपने टेक्स्ट को। तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे और स्क्रॉल पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल करे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है लेकिन अब हमें इसे यहाँ यहाँ पे हमें स्क्रॉल नहीं करना है, तो हम इसको लिखा ही रहने देंगे नॉर्मली, तो ये वैसा ही के वैसा लिखा रहेगा। ये मैंने जस्ट आपको एक एक तरीका बताया कि आप कर सकते हैं। तो हमने सब्सक्राइब लिख दिया और कर दिया। अच्छा अब क्या करना है, अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस पर जाएंगे और हम यहाँ गो लाइव पर जाएंगे, और गो लाइव में जाने के बाद न्यू स्ट्रीम में जाएंगे, क्रिएट अ टाइटल, ओके। अब हम यहाँ पर क्योंकि एक तरह से ऑनलाइन उलझन मोहब्बत की है कहानी, यह है पार्ट टू। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो भी हमारे टाइटल थे वो हमने यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब आप यहाँ पे थंबनेल डालना है हमें, थंबनेल में हम वही पिक्चर जो हमने डाउनलोड की हुई थी अभी उलझन मोहब्बत की, ये डाल लेंगे। ये देखिए डाल ली, और अब हम इसे क्रिएट स्ट्रीम कर लेते हैं। इतना आपने कर लिया क्रिएट स्ट्रीम, आई थिंक धीरे धीरे ही बता रही हूँ मैं आपको और समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ ये दिख रहा है, ऑटो जनरेटेड कीज़ दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक की कॉपी कर लेंगे। देख रहे हैं मैंने की कॉपी कर ली यहाँ से, ये वाली जो की दिख रही है आपको, ये है ना, ये 10 अंकों की मैंने कॉपी कर ली। और अब हम आ जाएंगे अपने इस सॉफ्टवेयर में, और यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे और हम स्ट्रीम में जाएंगे सेकेंड नंबर पर। और यहाँ पर आपको एक की डालने का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये की पहले से ऑलरेडी है, इसे हम एक्सचेंज कर देंगे और हम यहाँ ओके कर देंगे, और ये ओके हो गया, यानी कि अब पूरा काम हो चुका है, अब सिर्फ हमें स्टार्ट करना है स्ट्रीमिंग। तो हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे और अपनी कहानी को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज आपके लिए कहानी रीड कर रही हूँ,
उलझन मोहब्बत की, और इसका आज दूसरा भाग है। तो हम यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। ये हमने स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर लिया और देखिए ये यहाँ से शुरू हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे इस कहानी को, क्योंकि हम चाहते हैं अलग से रिकॉर्ड करके रखें, तो ऑडियोसिटी में हम इसे रिकॉर्ड भी कर लेंगे ताकि अगली बार जब हम इसे डालना हो तो हम इस ऑडियो को कहीं और यूज़ कर सकें। अब हम आते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और यहाँ पर लाइव का इंतज़ार करते हैं, ये गो लाइव में हमें कब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये रीडायरेक्ट करता है हमारे लाइव को यहाँ पर। चलिए हम शुरू करते हैं। गो लाइव जैसे ही मैं करूँगी शुरू हो जाएगा। हाय दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ये लाइव, और इस लाइव में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी उलझन की, मोहब्बत की उलझन ये कहानी है। और अगर आप जुड़े हैं मेरे साथ तो मुझे कमेंट में यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा आवाज़ सही आ रहा है। म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रहा मेरी आवाज़ से, तो फिर मैं कहानी शुरू करती हूँ। और तो ये था आज का हमारा लाइव करने का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।